साथियों नमस्कार। देश की आन बान शान और कुश्ती की चैंपियन विनेश फोगाट हिंदुस्तान लौट आई है। उनका स्वागत हर तरफ हो रहा है, एयरपोर्ट हो चाहे उनका गांव हो चाहे रास्ते हो। बताया जाता है कि एयरपोर्ट से अपने गांव वह 13 घंटे में पहुंची है, जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर पे है। तमाम नेता भी उनसे मिल रहे हैं। कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने भी उनसे मुलाकात की, विजेंद्र पहलवान ने भी जो बीजेपी के हैं उनसे मुलाकात की। आपको पता हो कि जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के नायब सैनी, उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि उनको गोल्ड मेडल विजेताओं की तरह पुरस्कृत किया जाएगा। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने भी कहा कि हम उनका सम्मान स्वर्ण पदक विजेताओं की तरह होना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कह दिया कि उनको राज्यसभा हम लोग भेजना चाहते हैं। तो तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन विनेश फोगाट के लौटने के बाद एक टिप्पणी बहुत चर्चा में है आज सुबह से। वह टिप्पणी जो है वह मोदी जी के बहुत ही प्रेमी कहिए और भारतीय जनता पार्टी का के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ने वाले, उनके संकट मोचक और संपादक भी हैं इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा, जिनको आप सब लोग आपकी अदालत से जानते हैं। उनका जो ट्वीट है वो बेहद चर्चा में है। हम आगे बात करें उससे पहले हम चाहेंगे कि एक बार हम आपको रजत शर्मा के ट्वीट के बारे में बताएं कि रजत शर्मा ने दरअसल ट्वीट क्या किया है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वही है। उससे बात निकलेगी और फिर आगे तलक हम इस पर चर्चा करेंगे। रजत शर्मा जो है वो अपनी ट्वीट में कहते हैं कि चैंपियन विनेश को सिर आंखों पर बैठाओ, मान दो वो देश का गौरव है, पर हरियाणा में इलेक्शन है इसलिए उसे अपनी ट्रॉफी की तरह मत घुमाओ, खेल में राजनीति मत घुसाओ। पत्रकारिता में राजनीति जरूर घुसा दो, ये बात लिखी नहीं है, ये मैं अपनी ओर से कह रहा हूं। उन्होंने लिखा है खेल में राजनीति मत घुसाओ। बृजभूषण शरण सिंह भी नेतागिरी करते थे, बीजेपी को धमकाते थे कि वो एसपी में चले जाएंगे और 4-5 सीटें हरवा देंगे, पूरी कुश्ती बर्बाद कर दी। जब तक खेल में राजनीति और परिवारवाद घुसा हुआ है हमें मेडल नहीं मिल सकता। आगे लिखा है रजत शर्मा ने कि ओलंपिक में मेडल पाने वाले हैं 84 देश थे, हम 71वें नंबर पर आए। जरा सा नीदरलैंड 6 नंबर पर है, छोटा सा कोरिया 8 है। हमारे प्लेयर्स के लिए बजट था, पूरा सपोर्ट था, पर क्या हुआ। सच तो यह है कि मेडल पाने के लिए जो 10-15 साल की तैयारी चाहिए उसकी पहले 70 साल में किसी ने परवाह नहीं की। खेलों की सारी एसोसिएशन कुछ नेताओं कुछ परिवारों की दुकान बन गई, ये अभी भी पूरी तरह बदला नहीं है, पीछे से वही चलाते हैं। अब भी हम सुन रहे हैं विनेश को राज्यसभा में लाएंगे, मनु भाकर को असेंबली चुनाव लड़ाएंगे। अब प्लेयर्स को लेकर या तो राजनीति हो सकती है या सारा फोकस मेडल लाने पर हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते। ये रजत शर्मा का कहना है, संपादक है इंडिया टीवी के, नरेंद्र मोदी के बहुत पक्षधर है, भाजपा की के पक्षधर है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में कितनी बेशर्मी के साथ उन्होंने आपकी अदालत कार्यक्रम किया नरेंद्र मोदी को लेकर स्टेडियम में, किस तरह से विपक्ष के नेताओं पर राहुल गांधी पर हंस रहे थे। हाल के दिनों में रागिनी नायक को ऑन स्क्रीन कथित तौर पर गाली देने को लेकर के चर्चा में आया, जिसका मामला अदालत में विचाराधीन है। ये रजत शर्मा है। ये खेल में जो राजनीति की बात कह रहे हैं और जो ये कह रहे हैं कि जो एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद बांटा गया 70 सालों में जो हुआ, ये जानते हैं रजत शर्मा कौन है? ये रजत शर्मा 2018 में जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड है उसके चेयरमैन थे। एक साल के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बहुत जो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन दिल्ली का है चाहे दिल्ली का पूरा है, उसको चलाने वालों में से इनके बड़े घनिष्ठ मित्र थे अरुण जेटली, आप सब जानते हैं, वो भी चेयरमैन रहे। तो वो उनकी निजी संपत्ति की तरह हो गया था पूरा का पूरा दिल्ली क्रिकेट बोर्ड।
और इन पर तमाम आरोप लगे। अब आरोप कितने सच्चे झूठे थे वो तो बात की बात है। ये ठीक उसी तरह से एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह रसलिंग फेडरेशन ऑफ WFI के अध्यक्ष थे, उसी तरह से रजत शर्मा भी थे। अब आप उनके देखेंगे पुराने वीडियो तो ब्रजभूषण शरण सिंह की तमाम आलोचनाएं आपको देखने की मिलेंगी जो रजत शर्मा ने किया। और दूसरी तरफ विनेश फोगाट को लेकर के जो आज का उनका बयान है, हम दोनों पॉइंट्स पे बात करेंगे कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के इतने तल्ख क्यों है रजत शर्मा। दूसरी तरफ हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि विनेश फोगाट को लेकर के जो रजत शर्मा कह रहे हैं, दरअसल वो क्यों कह रहे हैं इस तरह की बातें, कौन सा भय है, कौन सा स्वार्थ है दरअसल ये बयान देने के पीछे जो आज उन्होंने विनेश फोगाट को लेकर लिखा कि राजनीति खेल में नहीं घुसानी चाहिए, 70 साल की जो दुहाई दे रहे थे, हरियाणा के चुनाव की दुहाई दे रहे थे, उसके पीछे की अंतर कथा क्या है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह की बताएं कि जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो ये है कि जब रजत शर्मा को महज 1 साल के भीतर दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के पद से हटाया, के चेयरमैन पद से हटाया गया, जो DCI है उसकी जो वजह थी उसमें तमाम जो उसके जो बोर्ड है उसके सदस्यों के द्वारा रजत शर्मा की आलोचना की जा रही थी लगातार। और माना जाता है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह के कुछ मित्र लोग हैं उन लोगों ने भी रजत शर्मा को अध्यक्ष पद से हटाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब यह सच कितना है कितना झूठ है ये शर्मा जी बताएंगे। जहां तक विनेश फोगाट का सवाल है उसको लेकर के जो रजत शर्मा ने ट्वीट किया है, आपको बता दें कि इसके पीछे एक बड़ी जो वजह है वो साफ दिखाई देती है, जो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दी, वह है हरियाणा का जाट वोट। सच्चाई ये है कि हरियाणा में 4 में से 1 वोट जाटों का है और 90 में से तकरीबन 36 सीटें ऐसी हैं जो जाट बहुल्य है, जहां पर जाट जीत हार को तय करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो हमारी महिला पहलवान है उनके उनको उनको उनके शोषण की जो पूरी की पूरी वानगी है, जो कहानी लिखी, जिस तरह से उत्पीड़न किया उनका, जिस तरह से अपना बड़बोलापन दिखाया, वह सारा का सारा लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी जो है वो 7 से 5 सीटों पे आ गई और कांग्रेस 1 से 5 सीटों पे चली गई। लोकसभा बराबर का मुकाबला रहा। खास तौर पर इस पर सबसे बड़ी भूमिका रही वो जाट वोटों की रही। अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो ये दरअसल देखिए एक बात आपको बता दूं साफ साफ कि ये दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ महिला खिलाड़ियों का, उसके पहले किसान आंदोलन जो हुआ उसमें भी जाट वोटरों की बड़ी भूमिका रही। तो पूरा का पूरा जाट समुदाय जो है हरियाणा का वो बेहद नाराज है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, ब्रजभूषण शरण सिंह से नाराज है और भाजपा के नेताओं की जो जिद है, जो उनका बड़बोलापन है, उससे नाराज है। निसंदेह वह उन पत्रकारों से भी नाराज है जो लगातार महिला पहलवानों के आंदोलन को लेकर के तल्ख थे, जो लगातार खराब भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जो महिला पहलवानों की लगातार आलोचना कर रहे थे, उनको लेकर के जाट वोटर बहुत नाराज है। अभी हम बात कर रहे थे कि क्या असर पड़ा इसका, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 27% जाट वोट मिला जो अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, और कांग्रेस को 64% वोट मिला, माने 31% का फायदा हुआ जो है वो कांग्रेस पार्टी को और 23% का नुकसान जो है वो भाजपा का हुआ। ये कहानी है। दूसरी बात आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी खिलाड़ियों का राजनीति में इस्तेमाल नहीं कर रही, लगातार कर रही है। बबीता फोगाट का किया, योगेश्वर दत्त का किया, पेहोवा से संदीप सिंह का किया। संदीप सिंह की कहानी तो आपको पता होगी कि उन पर यौन शोषण का आरोप लगा, उनके मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के और युवा मामलों के, और मुझे तो लगता है कि इस बार शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनको टिकट भी नहीं दिया जाएगा,
जैसी की उम्मीद है। वही बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त अपना चुनाव हार गए थे, ये बताना आपको जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था कि भले सोनीपत हो, रोहतक हो, झज्जर हो, भिवानी हो, जो जाट बहुल सीटें हैं उन पर से बीजेपी का जो अपना वर्चस्व था वो खत्म हो चुका है। और खास तौर से जो ये खिलाड़ियों का मामला हुआ है, महिला खिलाड़ियों का मामला है, उसकी वजह उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है इस पूरे यहाँ के वोट बैंक पर। लोकसभा चुनाव में इस बार का मैं अभी देख रहा था आंकड़ा कि जो भाजपा का वोट प्रतिशत है वो 43.67 है और कांग्रेस का जो है वो 46.11 है लोकसभा चुनाव में। तो दरअसल 28.51 है कट। तो दरअसल एक बात साफ नजर आती है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। क्यों रजत शर्मा को बोलना पड़ा? अगर भाजपा को नुकसान हो रहा है तो रजत शर्मा को बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? और कोई पत्रकार क्यों नहीं बोला? इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है जो आपको बताता हूं। दरअसल जो महिला पहलवानों का आंदोलन था पूरा, ब्रजभूषण शरण सिंह से जाति दुश्मनी निकालने के लिए, उस पूरे आंदोलन का रजत शर्मा ने अपने प्लेटफॉर्म पर खूब इस्तेमाल किया। ये हेडिंग देखिए, ये रजत शर्मा के अपने कार्यक्रम की हेडिंग्स हैं और खुल के विरोध किया। इस बात को स्वीकारना चाहिए कि रजत शर्मा ने ब्रजभूषण शरण सिंह का खुल का विरोध किया। अब क्या है, भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि अब ये चुनाव तो गड़बड़ा जाएगा, हमारा जो विधानसभा चुनाव होना है, तो उन्होंने रजत शर्मा को आगे किया कि आप आगे जाइए और विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस जो राजनीति कर रही है, निसंदेह कर रही है, दीपेंद्र का मिलना निश्चित तौर पे एक राजनीति का हिस्सा है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? ये कोई खराब राजनीति तो है नहीं। अपने खिलाड़ियों का सम्मान करना, उनको आगे बढ़ाने की बात करना, इसमें तो कोई बुराई नजर आती नहीं है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो ये चाल है, कांग्रेस का जो ये दांव है, उससे भाजपा को खतरे में पड़ते देख करके रजत शर्मा को संकट मोचक के तौर पर भेजा गया है। वही काम रजत शर्मा कर रहे हैं। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि रजत शर्मा जी को कि अगर खेल में राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए तो पत्रकारिता में भी राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए। राजनीति को लेकर के पत्रकारिता जरूर करनी चाहिए। आप सबने हमको सुना, हम फिर से अब हाजिर होंगे आप सभी को।